उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में बीजेपी की ओर से उपेंद्र शुक्ला तो कांग्रेस की ओर से सुहिता चटर्जी करीब चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से प्रवीण निषाद को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शुरुआती रुझान में बीजेपी का उम्मीदवार 11,500 वोटों से आगे हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका फैसला आज आने वाले नतीजों के साथ हो जाएगा। आपको बता दें कि 1989 से गोरखपुर सीट बीजेपी के पास है। योगी आदित्यनाथ पिछले 5 बार से यहां के सांसद रहने के बाद 2017 में यूपी के सीएम बने थे। उन्होंने सीएम बनने के बाद यहां की लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस बार गोरखपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 43% मतदान हुआ है। वहीं बात करें बीते लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में यहां 54.64% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार वोटों का आंकड़ा महज 43% रहा था। लगातार पल पल की अपडेट चुनावी मैदान से आपको मिलती रहेगी। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।